देखो जो पूछ रहा हूँ सही ठीक है सही बताओ। बताना, नहीं तो बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, नौकरी तो जाएगी, एनडीपीएफ की धाराओं में इतना बुलंद केस बनेगा कि छूटोगे नहीं कभी। ठीक है, मुझे खुद खराब लगता है, पुलिस के हो तुम लोग, ऐसा काम करते हो, पुलिस संलिप्तता की एक बात होती है, तुम बीतने का काम करते हो। आकाश भदौरिया भदौरिया कहाँ के रहने वाले हो? सर, एमपी के। सर एमपी के रहने वाले, यहाँ कैसे पहुंचे? हम यहाँ स्टेशन पे काम करते सर। स्टेशन पे काम करते हो, क्या काम करते हो? का सर, फल बेचते हैं। फल बेचने का काम करते हो तुम, तो ये गांजे काम में कैसे आ गए? सर इसमें तो सर क्या नहीं है सर, अपना सर अपना नहीं है तो तुमको ऐसा सपना आ गया पुलिस वाले को तुमको उठा लाए, ऐसा? नहीं सर, जहाँ मैं गया था वहाँ एक लड़का फेंक के भगा था, सब सबने सब सबसे पहले मेरे को आके पकड़ा था। ऐसा पकड़ा, तो ये तो आपका मतलब आपको देखा आपने बस इसको, तो ये दो महानुभाव कहाँ मिले आपको? स्टेशन जीआरपी वाले मिले। तो आपको फेंका हुआ मिला और आप क्या नहीं, 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 जो मिला वो तो फेंका हुआ था, मेरे पास कुछ था। दूसरा था तुम्हारे पास, क्या था दूसरा? ये 10 किलो मेरे पास था, बाकी के भैया 10 किलो 10 किलो तुम्हारे पास था, तो 10 किलो कहाँ से आया? स्टेशन पे। 10 किलो तुम्हारे पास था, किसने दिया तुम्हें? इन दोनों भैया ने दिया। हाँ, तुम्हें क्या कह के दिया? ले जाओ इसको। क्या करोगे इसका? तुम बेच देना। तुम बेचते थे, किसको बेचते थे तुम? सर एक लड़का था सर, वो सर जेल वो भी गया था। क्या नाम है उसका? सागर यादव। उसको बेचते थे तुम, और सागर जेल गया, तो अभी किसको बेचते तुम? किसी को नहीं सर, वो तो आया छूट के सर, उस दिन 2-4 दिन पहले छूट के आया, 27 तारीख को छूट के आया। 27 तारीख को छूट के आया, तुम इनसे लेते थे, अपने पास रखते थे, फिर तुम सागर को पकड़ाते थे, ऐसा? तुम्हें कितना रुपये मिलता था इसमें? सब 500 रुपये, बस 500 रुपये में काम करते थे तुम, और तुम्हारा काम बस इतना था कि इन भाई साहब से। तुम्हें क्यों होते दोनों भाई साहब? नहीं सर, ये तो अभी पहली बार सर, 2-3 बार चालू हुआ। पहले दो तीन बार तुम तो चालू हुआ, इसी महीने से चालू किया, वैसे नहीं करते सर। अपने बालों पे मत जाओ, ठीक है, जो बता रहा हूँ सही बताओ। सही बता रहा हूँ सर, अभी ये किसी महीने में चालू किया, इसी महीने में चालू किया। इस महीने में कितनी बार कर दिए टोटल सर? दिसंबर सर 27 सागर के जाने से पहले सर 5-6 बार हो गया। 5-6 बार उस टाइम, 2-3 बार अभी। हाँ, मतलब नहीं, टोटल सागर के जाने से पहले अभी तक 5-6 बार हो गया सर। पहले तुम पहली बार थे, फिर तुम 2-3 बार पे पहुंचे, फिर तुम 5-6 बार पे पहुंचे, और हर बार कितना किलो लेते थे सर? 8 किलो 10 किलो 7 किलो 6 किलो 12 किलो जैसा सर। 6 किलो 8 किलो 12 किलो तुम्हें क्या पता था? 12 किलो है कि 8 किलो है कि 6 किलो है सर? वो सागर ही बताता सर, सागर बताता था। तौलता था, तौलता कहाँ पे था वो? वो सर अपने घर पे सर। नहीं, तो अपने घर में तौलता था, तो तौल के तुम्हें क्यों देता था वो? सर वो लेता था ना आगे देने के लिए सर, वो आगे देने के लिए। आगे किसको देता था वो? सर ये मैं नहीं जानता सर, क्योंकि सर पहली बार से कांटेक्ट हुआ था। तो तुम्हें को ये तुम्हारी जान पहचान कैसे हुई सागर से? सर मिला था सर, वो गांजा पी रहा तभी उसने बताया था। क्या बताया? वो पहले बेचता था सर, पहले बहुत पहले से बेचता था। कब से बेचता होगा वो? सर उसको मुझे नहीं पता सर, शुरू दीपावली मेरे को मिला था। तुम यहाँ कब से हो दुर्ग में? सर 8 महीने हो गए सर करीबन। 8 महीने यही काम कर रहे हो तुम, और तुम्हारे पहले कौन करता था ये काम? सर नहीं पता। चलो पीछे जाओ, तुम्हारी से नगरा रहे हो फिर भी समझ नहीं आ रहा। इधर आओ। दौड़ते गिर गया था क्या लगता है? वैसे ही गिरा होगा। आपका नाम क्या है जनाब? शैलेंद्र। देखो जो पूछ रहा हूँ सही सही बताना, नहीं तो बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, नौकरी तो जाएगी, एनडीपीएफ की धाराओं में इतना बुलंद केस बनेगा कि छूटोगे नहीं कभी। ठीक है, मुझे खुद खराब लगता है, पुलिस के हो तुम लोग, ऐसा काम करते हो, पुलिस संलिप्तता की एक बात होती है, बीतने का काम करते हो, यही बता रहा है 7-8 बार। तो अपनी बात ऊपर देखो भाई, ऊपर देखो। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र। कब की भर्ती हो? 2008। यहाँ कब से हो दुर्ग में? 2021 में। उसके पहले कहाँ थे? पेंड्रा रोड में थे। 2021 में आए हो तुम, और ये काम कब से कर रहे हो गांजे का? नहीं करता सर। अभी क्या किए इस बार? मैंने किया सर। ये तो नाम नहीं आया तुम्हारा? नहीं बोलता। भाई तुम तो पुलिस के आदमी हो ना, सब नियम जानते हो, लेकिन देखो झूठ को क्या है ना, इनके फोन से क्या क्या मिला भाई? सर इनके फोन से डायरेक्ट इसका पेमेंट इनको हुआ है। कितना पेमेंट हुआ है इनको? 4-4 और 5,000, मतलब ऐसे टाइप का। 4-4 क्यों पेमेंट किए भाई? उधारी लिए थे। उधारी लिए थे पुलिस वाले होके, पैतृक सैलरी में उधारी लिए थे। कब उधारी? कैश में लिए थे, अकाउंट में लिए थे? वो लिया था सर। तो वो उधारी मांगा है तुमसे अचानक? हाँ, उधारी मांगा। पहले भी उधारी दियो? पहली बार दियो? दो बार दिए थे। कितना दिए थे? 4,000। इधर आओ बेटा, बेटा इधर आओ। तुमसे उधारी मांगे थे तुमसे? हाँ बीच में, अभी आज जो कल जो दिए थे वो पैसा क्या उधारी था? कल से मैंने कोई पेमेंट ही नहीं किया सर, कोई हाल था। देखो वो 14 तारीख को पेमेंट किया। क्या है विकास भाई का था? विकास भाई का भाई,
पुलिस में हो गए भाई, किस चीज के लिए पेमेंट किया था? किस चीज के लिए पेमेंट था? गांजे के लिए। किसको दिया था पेमेंट तुमने? देखो पेमेंट किसको भेजा था? देखो तुम क्या समझते हो, दुनिया में बेवकूफ मैं हूँ क्या? पुलिस में झूठ बोलते हो, इसका तो जूस केस बनाना है। यस सर। इधर आओ तुम, आपका नाम क्या है? विकास। आप यहाँ कब से पदस्थ हो? साथ ही पोस्टिंग हुई के दोनों की। आप कहाँ से आए? दोनों पेंडर से साथ में आए, एक साथ पोस्टिंग कराए थे। आप ये काम कब से कर रहे हो? साथ में करते हो दोनों जुगलबंदी में? तो कब से कर रहे हो? नहीं करते हो तो पुलिस वाले हो ना। देखो मीडिया के सामने बयान का वैसे कोई वैलिडिटी नहीं है, कोर्ट तो एविडेंस पे काम करती है, जो सही है बताओ कम से कम। भाई पैसा किसने भेजा था? देखो भैया वो गांजा के दिए थे बोल रहा है। ये दोनों ऐसे लोग हैं जिन्होंने पुलिस की छवि दर्द पे मिला दी। ये क्रिमिनल्स है, पुलिस वाले बोलना इनको मुश्किल है। संलिप्तता मैंने बहुत लोगों की देखी है, लेकिन खुल के खुद बेचने का काम करना, एक महीने में 7 बार करना, पिछले 1.5 महीने में हर बार 8 किलो से 12 किलो बेचता, 12 किलो को 10 से गुना करें, 100 किलो से ज्यादा गांजा ये लोग पिछले 1 महीने में बेच चुके हैं। सबसे बड़ी बात है तस्कर से लूटते थे ये लोग, तस्कर से लूट के वर्दी की धौंस दिखा के ट्रेन पे लूटना। अभी ये लोग हाल में उड़ीसा गए थे, उड़ीसा कहाँ के लिए गए थे? उड़ीसा क्या करने गए थे उन लोग? ट्रेन का टिकट मिल जाएगा बाबू, कोई बात नहीं। जो झूठ के बहुत ही होते हैं। आज क्या जरूरत है तो ऐसे चल रहा है? अरे भाई क्यों बताऊं आपको, आप ये मत समझना पुलिस वाले हो। स्क्रीनशॉट है ना पूरा? क्या निकाला हूँ बताया था ना, स्क्रीनशॉट है पूरा बताओ। नहीं गया हूँ सर मैं उड़ीसा। उड़ीसा नहीं, चलो ठीक छोड़ दो यार, कोई बात नहीं। आपके साथ कौन कौन इधर आओ, ये तुमसे अच्छा तो ये दोनों लिए आते हैं, ये बता रहे ठीक बता रहा है। इन क्या बोल के देते थे? ले जाओ इसको। तुम कितने अपने पास कितने फ्रेम रखते थे? तुम अपने पास कितनी देर, तुमसे दूसरा आदमी कब लेता था, कितने देर बाद? वो आके ले जाता था हर बार। कौन लेके जाता था? सागर यादव लेके जाता था। सागर यादव का नंबर आपके पास रहता था, वो फोन करता था आपको, नॉर्मल फोन पे कॉल करता था, व्हाट्सएप पे कॉल करता था, नॉर्मल फोन पे। कहाँ से लेके जाता था वो आपके यहाँ से? सर वो मेरे रूम से उठा के, रूम पे उठा कर ले जाता था आपको। ये लोग कहाँ देते थे? रेलवे स्टेशन पे, स्टेशन पे रहते थे। ये कभी बताए कि कहाँ से लाते हैं आपको? गाड़ी पकड़ते हैं सर, उसमें गाड़ी पकड़ते हैं लोग, गाड़ी पकड़ते, गाड़ी में जो होता है वहाँ से तस्कर से पकड़ते हैं, लूटते हैं, लूटते हैं ना भाई, पकड़ते हैं ट्रेन में, ट्रेन में। कितनी बार बताए? 6 से 7 बार ये बता रहा है। कितनी बार हुआ है भाई? 6-7 नहीं 6 बार हो गया। 6 बार हो गए, बहुत याद मेमोरी अच्छी है इसकी, 6 और 7 पे 6 बार बोल रहा है। पिछले 1 महीने में 6 बार हुआ है, सुन रहे हो भाई? कम से कम सच बोलने की तो हिम्मत रखो तुम दोनों से, ये अच्छा है कम से कम। ये लोग पकड़ते तो सर अपने अधिकारी को बताते थे क्या कि ये गांजा? ये तो मानेंगे ना। तो भाई एविडेंस है तुम्हारा, पता है ना तुमको इसका? बताया हूँ, नहीं नहीं फुल प्रूफ केस बना के इनको प्रेजेंट करना है, तो बचेंगे ही नहीं दोनों, पूरा एविडेंस है, एग्रीवेटेड ऑफेंस पे जाएंगे। सरज जी बताइए, आप पकड़ते थे गांजा तो क्या नहीं पकड़ते? नहीं तो नहीं, अपने पुलिस वालों को हमने ऐसे ही फंसा दिया दो लोगों को, हमें याद आया कि दो लोगों से दुश्मनी है हमारी, इनको पकड़ लाते हैं। विकास भाई पकड़ते, विकास भाई कम से कम यार पुलिस कर्मी हो, पुलिस का नाम रखो, ये भाई ये वाला नाम रखते हो, भाई है ये लोग, कैसे पकड़ते? पुलिस कर्मी बोलना ही नहीं है, कैसे पकड़ते? ये लोग वर्दी में रहते थे, शिविर में रहते थे तुमको तो गांजा? कभी कभी रहते हैं ड्रेस में, तो शिविर में ही घूमते हैं, है ना भैया? तुम लोग को वर्दी पहनने का वैसे ही शौक नहीं था, उतर ही जाएगी वर्दी तुम लोग। नहीं इनका काम क्या था? ट्रेन से गांजा आ रहा है, दो लूटते थे, लूटते ही स्टेशन पे आए, इसको हवाले कर दिए, दुकान है इसका, ये अपने घर ले जाए, घर में रख दिया। उस बंदे का फोन आया तस्कर का, तस्कर घर से उठा लिया। गांजा बेचते थे, आज तक गांजा पकड़ के जब्ती बनाए हो? नहीं नहीं ये कहाँ जब्ती यार, जब्ती भी नहीं बनाया, मानने को भी तैयार नहीं कि गांजा नहीं। ये तो बोल रहा है ना सामने यार, पैसा दे रहे तो कह रहे उधारी मांग रहा था, ये उधारी, ये बैंक खोल लिए है ये, और किसको उधारी देते हो तुम भाई? ज्यादा तो मानने लग गए क्या गवर्नमेंट जॉब वाले पुलिस वालों से? तेरा फेरी पिक्चर है। ये वाला गांजा किससे लिया था तुमने? ये जो है वो भाई देते हैं इनका, 8,000 रुपए डाल लिया था, 5,000 का पेमेंट डाला था इनको, पेमेंट डाला था। किसी का पेमेंट? गांजे का, विकास भाई, गांजे का पेमेंट विकास भाई को दिए थे। वाह
तब विकास जी कैसे बोल रहे यार, वो तो बोल रहे हैं आपका नाम ले रहा है। अभी कहाँ मारेंगे, देखो देखो प्रॉपर एविडेंस। क्रिमिनल क्रिमिनल हमसे अच्छे हैं मुझे क्योंकि लगता है, कम से कम जो बात है स्पष्ट रखते हैं। इन दोनों को देखो, इनको तो उम्मीद ही नहीं होगी पकड़े, उम्मीद थी तुम लोगों को पकड़े जाओगे दोनों भाई। विकास भाई क्या बोले ऐसे लोगों का, कोई शर्म नहीं है, एक आदमी को शर्म भी कुछ। इसने इसने तुम्हें क्या भेजा हुआ था, वो जो स्क्रीनशॉट क्या था बताओ, इतना गांजा था, सैंपल भेजा था तुमको? सैंपल भेजते थे पहले, ये है इसको आप भेजना है। कैसे करते हो तुम लोग यार, मतलब भाई 10 साल की नौकरी में तरह तरह के पुलिसकर्मी देखे मैंने, लेकिन ऐसा नहीं देखा मैंने अभी तक कोई। जो अधिकारी लोग हैं कुछ जुड़े थे क्या? ये तो खुद का ही नहीं मानेंगे तो अधिकारी का क्या मानेंगे? क्यों भाई, ये तो संत हैं, इसने ऐसे फंसा दिया है दोनों को, ऐसा क्या? सर इनके परिवार के लोगों को मतलब कारोबार में जुड़े हैं। सर को चेहरा करो, यार की जवान सर आपको चेहरा। हम्म, एसपी साहब कोई ले तो देने को। आ कौन सी गाड़ियों से करते थे विकास? ट्रेन से। ट्रेन में कौन कौन सी गाड़ी? आप ये तो बताएंगे, तो मानने की तैयार नहीं दोनों। बताओ विकास कौन सी गाड़िया में आता है और इसकी सेवा ज्यादा हो? बताओ कौन सी ट्रेन में निकालते थे ये लोग? धंधे में रहते थे। कितने बजे रहते थे? कभी सुबह शाम? ऊपर देखो विकास, जब गाड़ी आती तब निकाल के देते थे। ऊपर करो मुंडी, ऊपर करो। तो टोटल कितनी बार होगा? अरे सही से बता दो, आप फंस गए हो और बता दो लोगों को। देखो यार तो बताओगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पुलिस के सामने दिया हुआ बयान नहीं है, लेकिन नहीं करोगे तो फंस जाओगे। केस कब करवा रहे बोले? कहाँ थे पिंडर रोड के पहले? रायपुर। तुम भाई दुर्ग, दुर्ग पहले भी आए हो तुम? कब थे दुर्ग में विकास भाई? 13 से 20 तक, मतलब 13 से 20 तक यही काम करते थे। 20 को 1 साल के लिए वहां गए, वहां से अपने